नमस्कार, ये हथेली है हमारे आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की, गूगल से ली गई है। अपवाद स्वरूप काफ़ी हथेली स्पष्ट है, इसी के आधार पर हम विश्लेषण करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे गृह मंत्री की सफलता का राज क्या है। तो हम आशीर्वाद करते हैं इस लिटिल फिंगर से। अगर देखें अपोलो के टॉप प्लेन का ये बेस, अगर इस उंगली को इससे मिलाया जाए तो ये उंगली टॉप प्लेन के बेस को छू लेगी। जब छू लेती है तो जातक के पास ना अद्भुत बौद्धिक प्रतिभा होती है। कौन सी प्रतिभा? बौद्धिक प्रतिभा, लाभ हानि का भेद कराने वाली, चतुरता देने वाली। जातक बहुत समझदार होता है, व्यवहारिक होता है, दूरदर्शी भी होता है। साथ में उसकी साथ में मोरी बड़ी खास होती है। पुरानी छोटी छोटी बातें भी याद होंगी। बड़ा कैलकुलेटिव ब्रेन है, तुरंत सब बातों का बिल्कुल सटीक विश्लेषण कर लेते हैं मन मन में। और जो भी काम करते हैं ना, बड़े सटीकता के साथ, बड़े प्रॉपर वे से, बड़े खास सलीके से करते हैं, हड़बड़ाहट में नहीं, बिल्कुल इन ऑर्डर, इन प्रॉपर वे। अब देखिए ये उंगली का टॉप फ्लेंज काफ़ी लंबा है। जब ये लंबा होता है तो जातक की वाक कला बड़ी शानदार होती है। जब भी बोलेंगे लाजवाब ही बोलेंगे, बोलने में माहिर, लोगों को सम्मोहित कर सकते हैं अपने शब्दों के जादू से। और आगे देखिए भी नहीं, ये बेस फैलेंज ना ये लंबाई में काफ़ी अच्छा है। ये दिखा रहा है कि जातक के पास ना व्यावसायिक कौशल भी है। व्यावसायिक कौशल संभव मतलब है कि वह लाभ की संभावनाओं का आसानी से आभास कर सकता है। और ये उंगली का टॉप फ्लेंज हल्का सा झुकाव ले रहा। जब ऐसा होता है तो जातक किसी प्रपंच छल का सहारा लेने से नहीं चूकता, उसके सामने उसकी मंजिल है। अगर जातक राजनीति के फील्ड से है तो वो दंड धाम जितने भी वो तरीके होते हैं सब तरीकों को अपनाएगा, बस उसका लक्ष्य उसकी मंजिल। मंजिल मिलनी चाहिए, उसके लिए कितना ही प्रपंच करना पड़े ऐसा जातक कर लेता है। यदि आपके लिटिल फिंगर का टॉप फ्लेंज हल्का सा अपोलो की तरफ झुक जाए तो आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पर ये इनका बुद्ध पर्वत वेल डेवलप्ड। जब बुद्ध अच्छा होता है ना, जो जातक के पास तेज दिमाग होता है और उसके पास ना दूसरों से कैसे डील किया जाए ये कला खूब अच्छी आती है जातक को। अपनी बातों को बिल्कुल स्पष्टता के साथ में दूसरे के सामने प्रकट करने की कला इसको आती है। दूसरी बात, दिमाग तेज तो होता ही है, बहुत इनोवेटिव और इन्वेंटिव होता है, बड़ा जुगाड़ू। ऐसे लोग ना कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं किसी समस्या के लिए दिमाग की कौशल से। दूसरी बात,
इनको चुनौतियाँ बड़ी पसंद हैं, मतलब चुनौतियाँ इनको चुनौती देती हैं, मोटिवेट करती हैं। जितना बड़ा काम उसको करने में इन्हें उतना ही आनंद आता है। और ख़ास बात, जो मर्क्यूरियन होते हैं, इनका बुध बहुत अच्छा होता है, उन सब में एक बड़ी जिज्ञासा होती है, ख़ास विशेषता होती है कि उनके आसपास दुनिया में क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है इसको जानने की जिज्ञासा ये इनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। ऑफिस में क्या चल रहा है, घर में क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है देश में, राज्य में, विश्व स्तर पर, सबकी जानकारी जानने की जिज्ञासा इस जातक को होती है। और कम्युनिकेशन स्किल में बड़े शानदार होते हैं, लाजवाब। एक बार और परिवार के प्रति बड़ा लगाव रखते हैं, प्यार से भरे हुए होते हैं, अच्छे वफादार साथी, अच्छे वफादार दोस्त, अच्छा वफादार जीवन साथी। और सबसे बड़ी बात, प्यार से भरपूर अच्छे माता पिता सिद्ध होते हैं ऐसे लोग। अगर मरकरी अच्छा हो तो इनका अच्छा है, तो इन्होंने जो राजनीति में घर को भी संभालना है, अपने आप को भी संभालना है, पॉलिटिक्स को भी संभालना है, इस सब में बड़ा अच्छा बैलेंस करके रखते हैं लेक, क्योंकि इनका ब्रेन लाजवाब। इनको बीजेपी में राजनीति का चाणक्य बोला जाता है, इतना खास दिमाग इनके पास है, जुगाड़ू, इन्वेंटिव, इनोवेटिव, कुछ ना कुछ नई सोच ये ज़रूर लाते होंगे समस्या को डील करने में। तभी इनकी जो उपलब्धियाँ हैं ना गृह मंत्री बनने के बाद, कुछ खास ही हैं, और भविष्य में ऐसी ही और आशाएं हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं कुछ नई जानकारियों के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।